हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडाफो स्टडी बन से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की नई शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए BTC कोर्स को बंद करने के बारे में, 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, फिर हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, 3 बड़े विवादों को लेकर उनके फैसले के बारे में, 69,000 शिक्षक भर्ती में BEd की नियुक्ति को लेकर, 69,000 की कट ऑफ, इसके अलावा डबल आरक्षण को लेकर, साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 या 6,800 सीटों के बारे में, इसके अलावा और भी अपडेट हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, फिर डिटेल में बात करेंगे 69,000 पर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग पर 2 बड़े धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिले। अब इन दोनों धरना प्रदर्शन के अंदर अभ्यर्थियों के माध्यम से सचिव से मुलाकात की गई, दूसरे धरना प्रदर्शन में अध्यक्ष के साथ मुलाकात देखने के लिए मिली। हालांकि धरना प्रदर्शन के बाद जो दोनों अभ्यर्थी थे, या यूं कहें कि 2 अलग अलग तरह के अभ्यर्थी धरना में शामिल होते हैं, तो एक गुट अलग बढ़ गया, थोड़ा सा विवाद हो गया था किसी मामले को लेकर। मैं नहीं कहना चाहूँगा कौन सा विवाद था, आप भी जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद सबकी अपने अपने बयान अलग अलग तरीके के आने लगे। एक का कहना है कि अभी शिक्षक भर्ती को लेकर जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके माध्यम से अभी काम किया जा रहा है, लेकिन इसमें समय लगेगा। एक का कहना था कि आने वाले समय के अंदर जल्दी इसको लेकर अनाउंसमेंट की जा सकती है। अब मुद्दे की बात यह है कि इसमें नुकसान किसका है, इसमें नुकसान है दोनों तरीके के अभ्यर्थियों का, क्योंकि आप जानते हैं कि जब धरना प्रदर्शन होते हैं या कोई भी काम होता है, हमारे देश के अंदर प्रधानी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि मुझे प्रधान बनना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। और ये प्रधानी के चक्कर में ही सारे के सारे कहने की जो समस्याएँ बन जाती हैं, है ना। अब ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश की नई शिक्षक भर्ती को लेकर देखने के लिए मिला था। बात यह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार BTC DLED कोर्स किया जा रहा है, लाखों की संख्या में पैसे सरकार ऐंठ रही है, लेकिन आप सभी के लिए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा। इसी को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से जो लगातार धरना प्रदर्शन करें, उनका कहना यह है कि अगर आप हमें नौकरी नहीं दे सकते तो BTC डीलर कोर्स को बंद ही कर दो। अगर आपको नौकरी देनी ही नहीं है तो स्पष्ट कर दिया जाए कि भाई BTC डीलर करने के बाद ये आवश्यक नहीं है कि आपको नौकरी दी जाए। इसी को लेकर नौकरी नहीं देनी है तो बंद कर देना चाहिए DLED कोर्स। परिषदीय प्राथमिक नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सिविल लाइन पत्थर गिरजाघर में DLED प्रशिक्षित लगातार 4th दिन भी धरने प्रदर्शन पर बैठे रहे। अभ्यर्थियों ने मुर्गा बनकर सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज कराते हुए सवाल उठाया कि सरकार नौकरी नहीं देना है तो DLED कोर्स को बंद कर देना चाहिए। और अभ्यर्थी तय कर चुके हैं कि अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी नहीं करता है और भर्ती परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर जारी नहीं करता है तो आयोग के सामने बेमियादी धरने पर बैठ जाएंगे। हालांकि अभ्यर्थियों की मांग पर आयोग ने नई शिक्षक भर्ती का अध्याचन मांगने और कैलेंडर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब ये कब तक प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि हमारे देश में समस्या ये है कि यहाँ पर अगर कोई विवाद को लटकाना हो तो उसकी कमेटी को गठन कर देते हैं, है ना। आप जानते, बताने की आवश्यकता तो नहीं है। शिक्षा मित्रों को लेकर इतनी बार कमेटी गठन हुई, बेचारों का आज तक कुछ नहीं हो पाया, होया नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि धरने का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थियों के माध्यम से कहना है कि प्रदेश सरकार 6 वर्षों से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं और भर्ती के लिए इंतजार करने वाले DLED अभ्यर्थियों की संख्या 11 लाख से ऊपर जा चुकी है। धरना स्तर पर DLED अभ्यर्थी कान पकड़कर मुर्गा बने रहे और कहा कि DLED करके हमने गलती कर दी। धरना प्रदर्शन में तमाम अभ्यर्थी सम्मिलित रहे और ये अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है जब तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कोई अनाउंसमेंट नहीं कर देता। अब देखना दिलचस्प होगा कि अभ्यर्थियों की मांगें कब तक पूरी हो पाती हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 3 विवादों पर बड़े फैसले के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती एक विवाद है जो आप जानते हैं, इसका शिक्षक भर्ती नाम बदल करके विवाद भर्ती कर देना चाहिए, क्योंकि मामला ख़त्म नहीं होता। और सही मायनों में ये ख़त्म नहीं होता तो शिक्षक भर्ती नहीं आ पाती है, है ना। अब इसी को लेकर यहाँ पर मामला ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कई सारे विवाद खड़े हो गए। आप जानते हैं कि 69,000 में पहला विवाद तो ये था कि कट ऑफ कौन सी होनी चाहिए, 60-65 या 40-45, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तो मोहर लगा दी थी। लेकिन उसके बाद ये मामला आप सभी जानते हैं कि जो आरक्षण को लेकर विवाद खड़ा हुआ उसके बाद एक बार फिर से बड़ा हो गया है। अब यहाँ पे डबल आरक्षण को लेकर ही बात आ गई है, पहली। दूसरी चीज़ देखने के लिए मिलती है BEd की नियुक्ति मान्य है या नहीं है।
तीसरी चीज़ देखने के लिए मिलती है कितनी सीटों पर घोटाला हुआ है। चौथी चीज़ ये है कि एक नंबर कॉमन वाले अभ्यर्थियों कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 1% PH आरक्षण नहीं दिया गया है, इसको लेकर भी सवाल है। अब इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आज एक सुनवाई होने जा रही है, जिसकी जानकारी जैसे ही सुनवाई शुरू होगी सबसे पहले आपको लाइव यहीं से दी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण मामले की आज होगी सुनवाई। अभ्यर्थियों ने दाखिल की याचिका। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर तीसरा विवाद सुलझ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुलझ जाएगा। अब सुलझेगा कि नहीं ये बातें बातें होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कोई कोर्ट भी नहीं बची है। प्रसिद्धि प्राथमिक विद्यालय में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर तीसरा विवाद सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। आरक्षण की अनदेखी के कारण पूरी चयन सूची को संशोधित करने के संबंधी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ऑफ फैसले के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में आज देखने के लिए मिलेगी। खास बात यह है कि शीर्ष अदालत के एक दर्जन से दिग्गज जो कहने की अधिवक्ता हैं वो अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की पैरवी करेंगे। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का यह तीसरा विवाद है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। पहला विवाद क्या है? पहला विवाद आप सभी के सामने कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE के 28 जून 2018 की अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक में मौका दिया गया था। लिखित परीक्षा के बाद सरकार ने यहाँ पर 60-65 कट ऑफ लगा दिया था। इसके विरोध में शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट में लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर दी थी और एकल पीठ ने स्पष्ट किया था कि परीक्षा के बाद उत्तीर्ण अंक निर्धारित नहीं किया जा सकता। 68,500 शिक्षक भर्ती में 40-45 लगाया गया था और 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए एकल पीठ के निर्णय को बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी डबल बेंच जाते हैं, वहां से 60-65 सही होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां से फिर 60-65 लागू हो जाता है। लेकिन इसके बाद एक और मामला आप सभी के सामने आ जाता है। अब ये बहुत लेटेस्ट मामला है, ये क्यों है इसको समझना बेहद आवश्यक है। जोधपुर हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने के लिए 28 जून 2018 की NCTE की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को खारिज कर दी और जो परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में भी 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त बीएड वालों पर संकट के बादल मंडराने लगे। हालांकि मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो जानकारी समाचार पत्र में दी है पहले मैं आपको वही दे रहा हूं, क्योंकि जो मैं अपनी तरफ से जानकारियां देता हूं किसी मुद्दे को लेकर विश्लेषण करता हूं या अपनी जो भी कहीं ना कहीं अनुभव आप सभी के सामने पेश करता हूं वो अलग से वीडियो होता है। ये सिर्फ न्यूज़पेपर की बात मैं कह रहा हूं। अब न्यूज़पेपर की बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ लोग पेड न्यूज़ डलवा देते हैं पेपर के अंदर और ऐसा कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए ऐसा हो जाता है कि एक पक्ष के कह सकते हैं कि एक पक्ष के खिलाफ न्यूज़ हो जाती है और दूसरे पक्ष को ध्यान में नहीं रखा जाता। जबकि मेरा विश्लेषण होगा वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर और क्या क्या सही है उस पर बात करूँगा। ये क्यों कह रहा हूँ वो आगे आपको बताता हूँ। लिखा हुआ है, नियुक्त बीएड वालों के संकट मंडराने लगे हैं। शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट की याचिका दाखिल करके 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त बीएड अभ्यर्थियों को बहाल करने की मांग की है और जिसके विरुद्ध बीएड अभ्यर्थियों ने भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 के अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पहले हो चुकी है उनको कोई अन्य विवाद नहीं है, उनकी नियुक्ति सुरक्षित की जा सकती है। और इस फैसले के बाद जो 11 अगस्त 2023 के बाद किसी बीएड डिग्री धारक को नौकरी नहीं मिलेगी, जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनके लिए NCTE एक वर्ष में कोर्स तैयार करते हुए उनकी परीक्षा कराएगा एवं जो प्रशिक्षण में सफल नहीं होंगे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इस तरीके से पूरे देश भर में 11 अगस्त 2023 के पूर्व में प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त बीएड अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली थी जो 8 अप्रैल का फैसला आया था। अब यहाँ पे लिखा तो है कि 69,000 के बीएड करने वाले अभ्यर्थियों पर संकट है, लेकिन ये क्यों तय होगा, कब तय होगा उस पर बाद में बात करूँगा आगे। तीसरा मामला क्या है? तीसरा मामला बेहद महत्वपूर्ण है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, वो है आरक्षण विवाद से संबंधित। 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होने की के बाद आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरक्षण विसंगति को लेकर आपत्ति जताई। चयन सूची से असंतुष्ट OBC वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंच गए, जहां उन्होंने आरक्षण त्रुटि की पुष्टि करते हुए इसके बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 5 जनवरी 2022 को सरकार ने 6,800 की नई चयन सूची जारी की। हालांकि अनारक्षित वर्ग के आरक्षित अभ्यर्थियों ने कह सकते हैं कि 6,800 की सूची का विरोध किया एवं उनकी ओर से दाखिल याचिकाओं के कारण 6,800 की सूची पर रोक लग गई। सिंगल बेंच ने सूची को रद्द कर दिया, डबल बेंच ने भी सूची को अभी रद्द ही माना है और ये कह दिया 16 अगस्त 2024 को कि नए सिरे से चयन सूची बनाई जाए। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी,
ये वाली, ये लिखा हुआ है कि परिषदीय शिक्षकों की भर्ती जिला स्तरीय थी और नेत्रजा शिक्षक भर्ती यदि जिले के अलग अलग चयन सूची NIC की तरफ से जारी की जाती तो ये विसंगति नहीं होती, ऐसा कहना राहुल पांडे शिक्षक भर्ती के जानकार। होता क्या है कि एक पक्ष के माध्यम से जानकारी दी जाती है तो किसी के ऊपर संकट डाल दिया जाता है, लेकिन संकट है कि नहीं वो बाद में तय होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती, मैंने कहा भी था आपको कि BEd की नियुक्ति मान्य है या नहीं वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, और उसमें जब BEd को लेकर अलग से एक पिटीशन फाइल होगी तब ये फाइनलाइज होगा कि आगे करना क्या है। लेकिन यस, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आज इस पर सुनवाई होने जा रही है, और जैसे ही सुनवाई के लेकर कोई भी नई चीज़ निकलेगी सबसे पहले मैं आप सभी को दे दूंगा। लेकिन आज का दिन 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज ही ये डिसाइड हो जाएगा कि 69,000 में आगे क्या होना है। जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को दे दूंगा, अगर सुनवाई हो गई तो काफ़ी हद तक चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।